गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे जियो का नया फ़ोन है ऑफ़र के साथ में। अगर ये जियो का नया फ़ोन आप ख़रीदते हैं तो 4 महीने का जो रिचार्ज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ये फ़ोन बहुत ही सस्ता हो चुका है, जिसके अंदर नया फ़ोन ख़रीदने में 4 महीने का रिचार्ज मिलेगा। और अगर आपके पास पुरानी जियो सिम है उस सिम को भी आप इस फ़ोन के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, 4 महीने का जो रिचार्ज है वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर मेरे पास 2 कलर आए हुए हैं, यहाँ पर ब्लू और ब्लैक 2 कलर आए हुए हैं, जिसको मैं अनबॉक्स करूंगा। अगर ये फोन आपको पसंद आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इन फोनों को आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ऑफर वाला मोबाइल लेके आए, ऑफर के साथ में फोन में आपको क्या कितने का ऑफर है और कौन सी सिम यानी कि नई और पुरानी सिम में दोनों में ये फोन को आप जो रिचार्ज है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। गाइस तो आज की वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। ऑफर वाला मोबाइल है, इसको करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने पैक किया। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए तो गाइस मैंने बॉक्स यहाँ पे लगा दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक और ब्लू 2 कलर आए हुए हैं और इसमें आपको ऑफर है जो 4 महीने का आपको फ्री मिलने वाला है। गाइस देख सकते हैं इस फोन को मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ और अपनी पुरानी जियो की जो सिम है उसके अंदर भी आप ऑफर का रिचार्ज फायदा उठा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए पहले आपको फोन दिखाते हैं। यहाँ पे जियो का भारत फोन आया हुआ है, जिसके अंदर मैं फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर के सारे फीचर्स है वो अपडेट कर दिए गए गाइस। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे ये भी बताएंगे, साथ में ये बॉक्स देख सकते हैं पूरा ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये इसमें बॉक्स में जो मोबाइल निकला है कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर खोला हुआ है और यहाँ पे ब्लू कलर भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि इसमें अंदर में क्या क्या मिल जाता है और अपडेट में जो फंक्शन है वो क्या क्या चेंज हो चुके हैं गाइस, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन दिखाऊंगा। फ़ोन में जो कीपैड है ये हैंगिंग की प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये फ़ोन हैंग होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको 2.4 इंच की मिलने वाली है और इसमें जियो भारत लिखा हुआ है और इसमें स्पीकर की अगर बात करूँ तो बहुत तेज़ आपको स्पीकर सुनाई देगा, जिससे अगर गाने वगैरह सुनना चाहते हो तो आप बहुत तेज़ से स्पीकर इसका चलता है गाइस, ठीक है। तो अपडेट में बहुत सारे फीचर्स हैं जो भी चेंज हुए हैं और इसके अंदर अगर मैं बैक की बात करूँ तो कैमरा, स्पीकर और जियो लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं बैक में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन ये लग रहा है, जिसमें आपको 4 महीने का रिचार्ज भी फ्री मिलेगा गाइस, ठीक है। ऊपर के साइड में एक आपको टॉर्च मिल जाएगी और सबसे नीचे की अगर मैं बात करूँ तो आपको LG 3500 का चार्जर है और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाएगा। और स्लिम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिम मोबाइल है, जिसके अंदर अभी 2000 mAh की जो बैटरी है वो साथ में हमें मिल जाती है। तो ये ब्लैक कलर का फ़ोन है, काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसमें मैं अभी एक बार बैटरी डालता हूँ और आपको ऑफ़र बताता हूँ। इसके अंदर 4 महीने के ऑफ़र के साथ में जो अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो वो सारे फंक्शन इसमें अपडेट कर दिए गए। यहाँ पे देख सकते हैं जियो पेमेंट, जियो TV, जियो सिनेमा, ये सारे फीचर्स हैं जो अपडेट कर दिए। अगर आप स्कैनिंग करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्कैनिंग करके भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसके मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोन में मैं बैटरी डालने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी क्या मिला है बैटरी हमें देख लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे मिलती है 2000 mAh की, जिसको मैं आप यहाँ से निकाल लेता हूँ। पैकिंग में बैटरी दी हुई है, अभी मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। तो बैटरी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फंसी है, देखो यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी है, मैं निकाल के आपको लगा के दिखाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे चार्जर की बात करूँ तो जियो लिखा हुआ चार्जर मिलता है, LG 3500 का चार्जर है और यहाँ पे एक हमें बुकलेट मिल जाती है, 1 साल की वारंटी वाला कार्ड मिल जाता है और ऑफ़र भी और रिचार्ज भी। तो एक बार यहाँ पे सिम डालेंगे, जब तक ये बैटरी नहीं डालेंगे जब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए बैटरी डालते हैं एक बार। तो गाइस सिम डालने से पहले मैं आपको बताऊं, ये बैक कवर मैंने हटा दिया, एक सिम आपको डालनी, एक मेमोरी कार्ड डालना और मेमोरी कार्ड इसमें आपको 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और इसमें देखो वारंटी का यहाँ पे जो मोबाइल खुला है या नहीं खुला है यहाँ पे एक कार्ड लगा रहता है, जिसमें सील का से पता चल जाता है कि इसमें क्या कुछ लगा हुआ है। तो चलिए गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 2000 mAh की जो बैटरी है इसको मैं एक बार यहाँ से लगा देता हूँ और आपको अंदर के फीचर्स दिखा देता हूँ। और इसमें आपको अपनी पुरानी सिम में जो 4 महीने का रिचार्ज है उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे और नई सिम में आपको एक्टिवेट करने को भी मिलने वाला है। ये फ़ोन बहुत ही सस्ता हो चुका है, जिसका यहाँ पर V2 फ़ोन आता था, बहुत ही छोटी डिस्प्ले का फ़ोन आता था, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन आता है V2 4G नाम से, बहुत ही छोटी डिस्प्ले का आता है। अब ये यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले का जो फ़ोन है वो आ चुका है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर ये वाला फ़ोन पहले दिखाया था, जियो का भारत V2 4G नाम से छोटी डिस्प्ले में फ़ोन आया था। अब यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले का जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँगा। इसके अंदर के आपको मैं फंक्शन दिखाता हूँ, पहले यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद ये फ़ोन यहाँ पे चालू हो जाता है गाइस, ठीक है। तो इसे अगर अपडेट करना हो, अगर आपके पास पहले से फ़ोन है तो इसको अपडेट करने का मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा। तो अगर आपको अपडेट करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में,
और सेटिंग में जाके यहाँ पे अपडेट का यहाँ रीसेट फैक्ट्री डाटा सेटिंग है, इसको अगर आप ओके कर देते हो तो इसके बाद ये फ़ोन बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा और रीसेट डाटा फैक्ट्री सेटिंग भी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसमें आपको मैं ऑफ़र बता देता हूँ आपको कैसे एक्टिवेट करना है और क्या कुछ इसके अंदर हमें मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा फेसबुक, अगर चलाना चाहते हो तो आप फेसबुक चलाएँगे। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग है और इसमें देख सकते हैं फेसबुक चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजिंग के साथ में यहाँ पर UPI पेमेंट भी आपको साथ में मिल जाता है। इसमें मैंने सिम नहीं डाली तो इसलिए ये चल नहीं रहा गाइस अभी यहाँ पे। देखो यहाँ पे जियो सिनेमा आप चला सकते हैं, जियो सिनेमा में आपको 8 करोड़ गाने सुनने को मिलेंगे। जियो सिनेमा में और आपको जो भी मूवी वगैरह है वो सारी जियो सावन में आपको 8 करोड़ गाने मिलेंगे। और जियो TV जियो सिनेमा आप चला सकते हैं इसके अंदर, वो आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर सारा कुछ चला के आपको दिखाऊँगा। जियो TV भी है, जियो सिनेमा भी है और यहाँ पर UPI पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप UPI पेमेंट करने का ऑप्शन इसके अंदर है, वो भी अपडेट हो गया और इसको खोल के आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो स्कैनिंग करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको आप सीधा सा यहाँ पे सेटिंग में जाके रीसेट फैक्ट्री रीसेट सेटिंग आपको जरूर करना है गाइस। ठीक है, फ़ोन बंद हो जाएगा अपने आप और दोबारा से चालू हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी चीज़ इसमें जो चीज़ आपकी चल नहीं रही थी वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन में आपको क्या क्या मिल जाता है, वो सारे फीचर्स आपको बताएंगे। जैसे कि आपको मैंने दोनों सेम ही है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यही बताऊँगा। यहाँ पर देखो UPI पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जियो TV है, जियो सिनेमा आपको मिल जाता है, HD वॉइस कॉल कर सकते हैं, FM रेडियो भी चल जाएगा, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और यहाँ पे 23 तरीके की लैंग्वेज है वो भी इसके अंदर हमें मिल जाती है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो भी हमें मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है, 128 GB तक का इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीमीडिया में जाना है आपको, कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आप सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ब्लूटूथ के साथ साथ में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट दिक्कत लगता है तो मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे। और इसमें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे MRP दिखाऊंगा, 4 महीने का जो रिचार्ज है उसे कैसे एक्टिवेट करना है। यहाँ पे 2599 रुपये की MRP है और ये 1299 रुपये का फ़ोन आता है। इसके अंदर क्या कुछ नहीं चलता है वो भी बताएंगे। साथ में अगर आपको रिचार्ज की अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे 234 का FRC रिचार्ज कराना है नई सिम के साथ में, जिसमें आपको 234 में आपको मिल जाता है अपना 4 महीने का रिचार्ज आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। 234 में 4 महीने का रिचार्ज वो आपको फ्री मिलेगा और 1299 का आपको ये फ़ोन मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और गाइस इसके अंदर क्या कुछ नहीं चलेगा ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो मैंने आपको यहाँ से बताया हुआ था, और इसके अंदर मैंने कहा तो फेसबुक आपको चल जाएगा, व्हाट्सअप और यूट्यूब नहीं चलेगा गाइस, और बाकी इसके अंदर वो सारी चीज़ें चल जाएंगी गाइस। ठीक है, तो कोई भी डाउट दिक्कत लगता है तो मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे। व्हाट्सअप और यूट्यूब के लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, बाकी आपको अगर फेसबुक चलानी है तो आप देखो फेसबुक कैसे चलाए, यूट्यूब भी बाकी चल जाता है लेकिन आपको कैसे चलाना है इसको इंटरनेट पर आपको जाना है और इस पर लॉगिन करना है गूगल। ठीक है, गूगल पर जाके आपको यूट्यूब लिखना है और यहाँ पे जियो TV पे जाके जियो TV लिखना है यहाँ पे, और जितने भी इसके अंदर ये देखो यहाँ पे जियो सिनेमा है इसको ओके कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे गूगल आता है, गूगल पे जाके आपको फेसबुक हो या कोई भी और चीज़ हो उसमें सारी चीज़ें लॉगिन करेंगे तो इजीली आप उसमें चला सकते हैं गाइस। ठीक है, कोई भी डाउट दिक्कत है तो कमेंट जरूर करना, और जानकारी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके इस फ़ोन को आप परचेज कर सकते हैं। 1299 रुपये का है, 234 के रिचार्ज में आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री है गाइस। थैंक यू।